सब्सक्राइब माय चैनल ऑल इन वन रेसिपीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनी मसाला पापड़ी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है जिसे मैंने छान लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है आटा लगाने के लिए। लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक और अजवाइन ली है। अब सबसे पहले मैं इस बाउल में आटा डाल दूंगी। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैंने जो 2 चम्मच तेल लिया था मोयन के लिए वो डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लूंगी। मैंने इस तरह का आटा लगाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी लोया बनाकर रेडी कर लूंगी। मैंने सारी लोया तैयार कर ली है। अब मैं इन्हें बेल लूंगी। इस तरह से बेल लेंगे हम। अब हम इसमें चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगा देंगे। अब मैं इस कटोरी की हेल्प से जो है इसको शेप दे दूंगी। मैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल लूंगी। पापड़ी को तैयार कर लिया है बेल के। अब मैं इन्हें तलूंगी। तलने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया। अब मैं इसमें पापड़ी डाल दूंगी। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। पापड़ी तल चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। हमारी मसाला पापड़ी बनकर रेडी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।